1000 रुपये का जो है ये चलान मेरे पे आया है, 10/4/2024 को चलान आया है, ये 12:59 में। ये चीज़ें एकदम बेझिझक रहो, 1000-2000 का चलान है तो आपके इंश्योरेंस में आपके पॉल्यूशन में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। अगर जीरो डेप्थ नहीं मिल रहा है तो आप उस कंपनी से ना लीजिए, दूसरे से ले लीजिए, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है ना उसमें बहुत कम चीज़ें कवर होती है। बहुत एग्जैक्ट 1,00,000 किलोमीटर चल गई। तो भाई ये रहा लक्ष्मीपुर ढाला, या तो आज एक और नया दिन और एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक और नया दिन और एक और नए ब्लॉग की स्टार्ट। तो सीधा सीधा अब ये गाड़ी से ही स्टार्ट हो रहा है, वैसे गाड़ी से स्टार्ट नहीं करना था, मैं गया हुआ था सुबह सुबह कहीं पे मदारपुर कुछ काम से, तो अभी जस्ट लौटा हूँ और अब जाऊँगा ये गाड़ी लगाऊँगा। ये गाड़ी वैसे मेरी नहीं है, वैगनर, ये चंदन बाग की है, वहाँ पर मैंने अपनी अपाची खड़ी रखी थी। तो यहाँ से हो गया अपना काम जो है गाड़ी लगाने वाला दे दिया, और अब मैं यहाँ से अपनी अपाची से निकल रहा हूँ। यहाँ से निकल के भी जाना है, स्कॉर्पियो का थोड़ा बहुत सर्विस होने के बाद से कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो ठीक कराना है, और एसी कम कूलिंग करा है तो एसी वाले से भी दिखाना है। तो चलिए वहाँ मिलते हैं जी। आज अभी स्कॉर्पियो जो है अभी जस्ट चलते चलते एग्जैक्ट 1,00,000 किलोमीटर चल गई। तो इस गाड़ी का 1,00,000 किलोमीटर जो है आज पूरा हुआ, इसी बात पर सेलिब्रेट किया जाएगा कुछ ना कुछ। और मैं रास्ते में था, गोपालगंज के लिए निकला हूँ, अभी बरहिमा पहुँचा था, इसी में मेरी गाड़ी जो है 1,00,000 किलोमीटर अभी 1,00,000 किलोमीटर 100 मीटर चली है, देख लीजिए। बड़ी ही खुशी का दिन है। तो लो भाई, अभी हम गोपालगंज में हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आया था ज़रा गोपाल मोटर्स में, उन्हीं के पास जो है पिछली 1 महीने पहले एसी का जो है गैस वैस डाला गया था, तो वो लोग आज अभी करने में सक्षम नहीं थे, बोले कि कल आइए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो कल मैं गाड़ी जो है या तो लेके आऊँगा या तो किसी से भेज दूँगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ महरवा, उस दिन जहाँ पे गया था डॉक्टर के पास, और इसी में मेरे बाइक का चालान भी आ गया 1,000 का, फ़ोन पे आया ही, और उसका वो भी आ गया, लिफाफा भी घर पर आ गया, तो अभी मैं चल के आप लोग को दिखाऊँगा। चलिए बढ़ते हैं, ज़िंदगी में कष्ट बहुत है बट क्या करें, सबसे निकलना है। ये देख लो भाई, ये रहा लक्ष्मीपुर ढाला, ये आगे जाएंगे तो यहीं से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर पे ही है अपना ये मैरवा। बट मुझे जो है डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं यहाँ से मुड़ जाऊँगा, ठीक है। वो डॉक्टर ज़रा सा अंदर रहते हैं। चलो भाई, ये जो रोड है डॉक्टर साहब के पास जाने का, ये यही गाड़ी है कि चली भी जा रही है? छोटी गाड़ी होगी तो उसका क्राउन राउंड टच हो जाएगा या चैम्बर टच हो जाएगा, बट कोई ना, ज़रूरत पड़ने पे सब कुछ हो जाता है। बाप रे बाप, देख लो भाई, हम मैरवा से अपना डॉक्टर से मिल के आ चुके हैं वापस, अब सिवान में एंटर होने वाले हैं। अभी तो नहीं दिख रहा होगा बट ऊपर अभी कुछ ही देर में आप लोगों को बोर्ड पे दिख जाएगा, नगर परिषद सिवान में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आजकल अपना रनिंग इधर चल रहा है क्योंकि इधर काम रह रहा है, वरना मैं इधर ऐसे नहीं आता था, बनारस जाना होता था तभी इधर आता था, अदरवाइज इधर कोई काम ही नहीं रहता था, कोई क्या करेगा आके। तो देखिए ये पुलिस वाले लोग खुद बिना हेलमेट के हैं और डबल डबल हैं, इनका कौन चालान करेगा? और बिना हेलमेट के अपना 1,000 रुपये का चालान आया हुआ है, मैं घर पे चल के दिखाऊंगा आप लोगों को, पूरा एकदम लिफाफा आया हुआ है। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए घर, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने वॉच नहीं पहनी कि मैं दिखाऊं, और जो भी हो 6:30 के अप्रॉक्स हो रहा है, और अभी जो चालान आया हुआ है मेरे पास मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मैं ज़रा पहले फ्रेश हो लूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों ने देख लिया, आज दिन भर अपना काम जो है चलते रहा, सुबह उठे पहले बाइक से गए, फिर वहाँ से वैगनर लिए, फिर जहाँ जाना था वो काम किए, फिर वापस आए घर आए, फिर यहाँ से गए पहले गोपालगंज, एसी हमारा कूलिंग भी कर रहा था तो वो चेक कराने, बट उसमें बहुत टाइम लग रहा था, बाहर बार हमने चेक करा लिया, बट इंटरनल कुछ माइनर सा लीक है पाइप में तो डैशबोर्ड खोलना पड़ता, तो वो हम कल करेंगे। फिर वहाँ से गोपालगंज से हम सिवान गए, सिवान से मैरवा गए, मैरवा से घर आए, बट इसके बीच इन बिटवीन अपने पास जो है कुछ आया हुआ है, तो मैंने ये संभाल कर रख लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोगों को याद होगा जैसे मैं रिसेंट गुजरात से आया था तो मैं गया हुआ था बरहिमा, और एक मेरे दोस्त ने बाइक मांगी थी जस्ट ऐसा एक राउंड के लिए,
वरहिमा से एक सदवा स्कूल पड़ता है उसके बीच में, तो एक टोल है, तो उसने मांगा मैंने दे दिया, हाईवे पे ले गया, ले के आया बस वो, उसी में अपने बाइक का जो है एक चलान आ गया हुआ था। देख लीजिए इस पर अगर डेट भी लिखा हो तो देख लो, डेट ज़्यादा दिखाओ तो बाबू, ये देख लीजिए 10/4/2024 को चलान आया है ये 12:59 में, मतलब 1 बजे के अप्रॉक्स। और यहाँ भी दिखा दीजिए, ये तरुण कुमार सिंह, ठीक है, और ये रीज़न क्या है, पेनल्टी फॉर नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव हेलमेट बाय मोटरसाइकिल ड्राइवर, और पिलियन भी इसमें दिखा रहा है, तो हो सकता है 2 लोग होंगे। तो 1000 रुपये का जो है ये चलान मेरे पे आया है। अब इसमें क्या है, कुछ लोगों को डाउट है कि गाड़ी पे जब चलान होगा तो पॉल्यूशन होगा या नहीं, इंश्योरेंस होगा या नहीं, तो एकदम आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। मेरे बाइक पे पर्सनली चलान है, बट आज ही मैंने जाके अपनी बाइक का जो है पॉल्यूशन करवाया हुआ है। आज 4 जून है ना, आज तो मैंने 1 साल आगे तक का लिया हुआ है, 4 जून मैंने 2024 में कराया है और 3 जून 2025 तक का अपडेट हो चुका है। उसकी मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे स्क्रीन पर भी शेयर कर दूँगा, आप लोगों के सामने आएगा। तो ये चीज़ें एकदम बेझिझक रहो, 1000-2000 का चलान है तो आपके इंश्योरेंस में, आपके पॉल्यूशन में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। और मेरा भी चलान कटा हुआ था इसलिए मैंने हार्ड कॉपी लिया था, बट फिर भी मैं जाकर आज अपना पॉल्यूशन बनवा के आया हूँ। एकदम डरो नहीं, कोई टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मैंने आज अपने अपाची का पॉल्यूशन करवा लिया और KTM का करवा लिया, स्कॉर्पियो का तो है ही है, तो मतलब अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है कि चलो भाई सारी गाड़ियों का पेपर एकदम ओके है। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेपर ओके रखो, इंश्योरेंस एकदम करवा के रखिए, और कोशिश करिए इंश्योरेंस लेते टाइम कुछ चीज़ एड ऑन रखने की, कुछ चीज़ नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें एड ऑन होती है, बट 2 चीज़ें जो है एड ऑन रखें। पहला कि आप 0 depreciation इंश्योरेंस लीजिए, अगर 0 depth नहीं मिल रहा है तो आप उस कंपनी से ना लीजिए, दूसरे से ले लीजिए, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है ना उसमें बहुत कम चीज़ें कवर होती है, बहुत हद तक आपको अमाउंट मिलता है। और 0 depth में क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें कवर होंगी, बस आपको क्लेम चार्जेस 1000-2000 रुपये लगेंगे। और दूसरा क्या होता है कि एक प्री इनवॉइस्ड चलान करके आता है जो वो वाला इंश्योरेंस ले, उसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई, ठुक-ठुका गया, जो भी होगा, तो आपको जितना इनवॉइस पे आपका बिल है, गाड़ी जितने की अमाउंट पे पड़ी है, उतना आपको इंश्योरेंस मिलेगा वो। अदरवाइज़ क्या होता है कि IDV वैल्यू लगाती है कंपनी, जो IDV वैल्यू होगा उसमें से 10% काट के दे देती है। तो बाकी आप खुद होशियार हो, देख लेना, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो आज की वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और कुछ आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए, ये चालान के रिगार्डिंग कैसे भरना है, क्या करना है, तो कमेंट डालो, मैं बनाऊंगा एक बार इसको भर के आप लोगों को प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा साइबर कैफे में जाके, ऑनलाइन जैसा भी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।